मेरी भगवान से, भगवान श्री राम से प्रार्थना है, यह संसद भवन शताब्दियों तक अपने इतिहास के लिए जाना जाए। ऐसी ऊंचाइयों को छुए जिनसे भारत अपनी गरिमा और गौरव के लिए संपूर्ण संसार में पूजित हो सके। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला को, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को और सभी सांसदों को अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहा हूँ। श्री जयतु भारतम, जयतु संसद। लोकतंत्र के इस नवीन मंदिर, नव संसद भवन के मंगलमय प्रवेश पर मैं संपूर्ण सांसदों को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, संसद के अध्यक्ष ओम बिरला को, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति को और सभी सांसदों को अनेक अनेक आशीर्वाद दे रहा हूं। संयोग से आज मैं दिल्ली में हूं, अश्विनी कुमार चौबे के भवन में आज मेरा प्रवास है। मैं उपस्थित तो नहीं हो पा रहा हूं, पर मैं वहां मनसा उपस्थित रहूंगा और मैं मंगल कामना करूंगा कि यह नवीन संसद भवन ऐसी ऊंचाइयों को छुए जिनसे भारत अपनी गरिमा और गौरव के लिए संपूर्ण संसार में पूजित हो सके। पूर्व संसद भवन का इतिहास हमने देखा, 75 वर्षों का इतिहास जो उतारों और चढ़ावों से भरा रहा, पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। मेरी भगवान से, भगवान श्री राम से प्रार्थना है, यह संसद भवन शताब्दियों तक अपने इतिहास के लिए जाना जाए और अपनी नीतियों के कारण संपूर्ण भारत में इस संसदीय प्रणाली की पूजा हो सके। जय श्री राम, जय भारत।